now let us see reactions involving cwoh group first reaction is decarboxylation one type of decarboxylation reaction you have already learned in your class 11th which is kolb's electrolytic reduction that was also decarboxylation reaction and here we are also going to learn one more decarboxylation reaction see sodium or potassium salts of carboxylic acids upon heating with soda lime what is soda lime it is a mixture of NaOH and calcium oxide in 3 is to 1 ratio now uh, upon heating they give hydrocarbons hydrocarbons contains one less carbon atom than original carboxylic acid okay now let us see the equation of above reaction see sodium carboxylate is the sodium salt of carboxylic acid विच ऑन रिएक्शन विद सोडा लाइम विच इज़ मिक्सचर ऑफ एन एच एंड कैल्शियम ऑक्साइड गिव्ज यू आलकेन प्लस एन ए टू सी ओ थ्री सी हाउ दस एन ए टू सी ओ थ्री इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एच एन ए पार्ट इज एलिमिनेटेड एंड फ्रॉम सोडियम कार्बोक्सीट एन ए सी डब्ल ओ पार्ट इज एलिमिनेटेड सो टोटल आपके यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाता है एन ए टू सी ओ थ्री एंड वॉट आर यू लेफ्ट विथ यू आर लेफ्ट विथ आर एंड एच आर एच विच इज योर आलकेन एंड एज यू कैन सी यहां से एक कार्बन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड हैज बिन रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री सो आपको जो आलकेन मिलता है उसके अंदर एक कार्बन एटम कम होता है सो यू गेट वन लेस कार्बन एटम कंटेनिंग आलकेन ओके नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन सी हियर वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ सोडियम एसीटेट व्हिच इज सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए राइट सो सोडियम एसीटेट ऑन रिएक्शन विद एन एच प्लस कैल्शियम ऑक्साइड which इज योर सोडा लाइम मिक्सचर अपॉन हीटिंग इज गोइंग टू undergo loss लॉस ऑफ in this way. इन दिस वे क्या करना है एन एच पार्ट से एन ए ओ एंड फ्रॉम सोडियम एसिडेट पार्ट एन ए सी डबल ओ इज एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री एंड यहाँ पे क्या बचा सी एच थ्री एंड वन हाइड्रोजन सो सी एच फोर सो यू गेट मीथेन ओके तो सोडियम एसीटेट अप ऑन रिएक्शन विद सोडा लाइम गिव्स यू मीथेन तो आप देख सकते हो एक कार्बन आइटम लेस हो जाता है आपके आल्केन के अंदर एज कंपेयर टू कार्बऑक्सा सो अगर आपने यहाँ पे लिया होता सोडियम प्रोपेनोएट तो ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम आपको कौन सा आल्केन मिलता यू विल गेट इथेन बिकॉज सोडियम प्रोपेनोएट विल हैव थ्री कार्बन आइटम्स सो आल्केन के अंदर एक कार्बन आइटम कम हो जाता है सो यू विल गेट इथेन ओके now let us see the next reaction involving cwh group which is reduction carboxylic acids upon reduction are reduced to alcohols okay so this is your carboxylic acid R-C-O-O-H. so carboxylic acid upon reduction using strong reducing agent such as lithium aluminium hydride or diborane gives primary alcohol plus water molecule ओके सो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में से यू आर डायरेक्टली गोइंग टू गेट प्राइमरी अल्कोहल ओके सो आगे बढ़ते हैं लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस अबव रिएक्शन सी इफ यू टेक एसिटिक एसिड देन अपॉन रिडक्शन विथ स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट सच एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डायबोरेन इट इज गोइंग टू गिव यू प्राइमरी अल्कोहल कंटेनिंग द सेम कार्बन एटम्स एज देर आर इन योर ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिटिक एसिड में दो कार्बन एटम्स होते हैं हेंस यू विल गेट द अल्कोहल विथ टू कार्बन एटम्स एंड दैट इज इथेनॉल प्लस वाटर मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड सिमिलरली इफ यू टेक प्रोपेनोइक एसिड देन अपॉन रिडक्शन यूजिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इट इज गोइंग टू गिव यू अल्कोहल विथ थ्री कार्बन एटम्स ओके एंड विच इज प्रोपेनॉल सो यू गेट प्रोपेनॉल प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाय द रिडक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड similarly if I give you methanoic acid that is formic acid so upon reduction it is going to give you methanol okay to yaad rakhna hai ki carboxylic acid ke reduction se hame primary alcohol milta hai और उस primary alcohol के अंदर same number of carbon atoms होते हैं जितने हमारे carboxylic acid के अंदर होते हैं okay c carboxylic acids having an alpha hydrogen atom okay so this is the must condition carboxylic acids having alpha hydrogen atom react with chlorine or bromine with red phosphorus to give you compounds in which your alpha hydrogen atom is replaced by halogen atom okay now this reaction is known as hell volhard zielinski reaction okay so it is also very famous by the name h वी जेड सो एच वी जेड रिएक्शन अगर आपसे पूछे या फिर हेल वल हार्ड जिलेंस की रिएक्शन अगर आपसे पूछे दैन इट इज द सेम सो लेट एस सीन द इक्वेशन ऑफ अबव रिएक्शन सी दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच दिस इज योर अल्फा कार्बन एटम कंटेनिंग सी डबलओ एच ग्रुप एंड ऑन अल्फा कार्बन एटम देर आर टू हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट सो दिस कार्बोक्सिलिक एसिड अपॉन रिएक्शन विथ क्लोरिन और ब्रोमीन सी एल टू और बी आर टू इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फरस गिव्स यू अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है ये सिंपल आपको जो अल्फ़ा कार्बन है वहां से एक हाइड्रोजन को हेलोजन आइटम से सब्सटीट्यूट करना है सो यू विल गेट आर सी एच एक हाइड्रोजन आइटम हेलोजन से सब्सटीट्यूट हो गया सो एक्स एंड सी डबल ओ एच सो दिस इज अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड Now let us see the example of HVZ reaction. Here I have taken the example of acetic acid. Acetic acid as you can see this is the alpha carbon atom where three hydrogen atoms are present. On reaction with Cl2 in presence of red phosphorus one of the alpha hydrogen atom is substituted by Cl atom. So you get monochloroacetic acid. राइट right? एक सीएल आ गया यहाँ पे अल्फा कार्बन पे और एक हाइड्रोजन जो है वो दूसरे सीएल के साथ एच सी एल के फॉर्म में एलिमिनेट हो गया ओके सो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड अगर आपके रिएक्शन मिक्सचर में और भी सी एल टू प्रेजेंट है देन इट इज फर्दर गोइंग टू अंडर गो एच वी जेड रिएक्शन वापस से आपके अल्फा कार्बन से एक और हाइड्रोजन एटम जो है वो सी एल से रिप्लेस हो जाएगा एंड यू विल गेट डायक्लोरोसिटिक एसिड जैसे कि आप देख सकते हो दर इज वन मोर अल्फा हाइड्रोजन आइटम विच इफ योर सी एल टू इज प्रेजेंट स्टिल इन द रिएशन मिक्सर देन विल अंडर गो एच वी जेड रिएक्शन एक और एच जो है वो सी एल से रिप्लेस हो जाएगा एंड यू विल गेट ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड ओके सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एच वी जेड रिएक्शन नाउ लेट एस सी सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन बेस्ड ऑन एच वी जेड रिएक्शन सी इफ़ दे आस्क यू इन एग्जाम टू प्रिपेयर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपको क्या करना है एसिटिक एसिड का सबसे पहले तो एच वी जेड रिएक्शन करना है जिससे क्या मिलेगा हमें एसिटिक एसिड और आप जानते हो कि एसिटिक एसिड का जब रिएक्शन आप एक्वस के ओ एच से करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी अ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मतलब आपका जो सी एल माइनस है वो ओ एच माइनस से रिप्लेस हो जाएगा सब्सटीट्यूट हो जाएगा एंड यू विल गेट ओ एच ओवर हियर एंड सी एल एंड के प्लस विल कम्बाइन एंड के सी एल विल बी एलिमिनेटेड तो क्या बचेगा यहाँ पे देखिए सी एल हैज़ बिन सब्सिटीट्यूटेड बाई ओ एच सो ओ एच सी एच टू एज इट इज CWH as it is so this is how you get alpha hydroxy carboxylic acid or alpha hydroxyacetic acid in this case from acetic acid now let us see one more important conversion based on hvz reaction see this is acetic acid upon hvz reaction it gives you chloroacetic acid क्लोरो एसिटिक एसिड अपॉन रिएक्शन विद अमोनिया क्या होगा यहां से एक एच और सी एल एलिमिनेटेड एंड योर सी एल माइनस न्यूक्लियो फाइल विल बी बाय अमोनिया एंड यू विल गेट एन एच टू ग्रुप ओवर हियर ओके तो याद रखना है एच और सी एल एलिमिनेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एच सी एल एंड एन एच टू विल कंबाइन विद सी एच टू टू गिव यू अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड ओके नाउ लेटर सी लास्ट कन्वर्जन विच हैज बीन आस्ड इन मैनी बोर्ड एग्जाम फ्राम एसिटिक एसिड टू मेलोनिक एसिड तो सबसे पहले तो आप एसिटिक एसिड का एच वी जेड रिएक्शन करोगे एंड यू विल गेट क्लोरो एसिटिक एसिड ओके क्लोरो एसिटिक एसिड ऑन रिएक्शन विद के सी एन क्या देगा हमें वंस अगेन न्यूक्लियोफिलिक्स सब्सटीट्यूशन के प्लस एंड सी एल माइनस विल बी एलिमिनेटेड एंड सी एन विल कम्बाइंड फ्रॉम कार्बन साइड विद सी एच टू and you will get CN CH2 as it is, एज इट इज सी डब्लू एच एज इट इज सो अल्फ़ा साइनो एसिटिक एसिड प्रोडक्ट मिलेगी हमें अब अल्फा साइनो एसिटिक एसिड को अगर आप हाइड्रोलाइज करते हो तो आपको पता है कि हाइड्रोलिस से सी एन ग्रुप जो है वो सी डब्लू एच में कन्वर्ट हो जाता है एंड हैंस यू विल गेट अ डाय कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज मेलोनिक एसिड जिसको प्रोपेन डाई ओइक एसिड भी बोला जाता है ओके So these are the important conversions which we have learned based on HVZ reaction, and you have to because in many exams they have been asked directly as it is. Now let us see the last set of reactions in the chemical properties of carboxylic acid. The last set of reactions involves reactions on benzene ring. We all know that carboxyl group in benzoic acid is electron withdrawing group and hence it is meta directing group so if we benzoic acid ka bromination acid in presence of febr3 then br plus which is your electrophile that is generated and it is going to attack on benzene ring at which position meta position hence you get 3 bromo benzoic acid or you can call it as meta bromo benzoic acid okay now, let us see the sulfonation of benzoic acid. During the sulfonation reaction, when benzoic acid is treated with concentrated sulfuric acid, then SO3H electrophile is introduced at the metaposition. And hence you get 3-sulfobenzoic acid. So, upon nitration, benzoic acid gives meta-nitro metanitrobenzoic acid hence we have to remember that cwoh group being a electron withdrawing group is meta directing in nature and hence all the reactions that takes place on the benzene ring occurs at meta position so with this we are ending the chapter aldehydes ketones and carboxylic acid